गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने ITI की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या किया था, वॉइस, है ना। हमने उसका इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस पढ़ा था एंड टाइप ऑफ वॉइस एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड डिस्कस अबाउट दी ऑल दिस एग्जाम्पल एंड सब्जेक्ट केस टेबल एंड ऑब्जेक्ट केस टेबल। These things we are discussed in last video, okay? तो मैं थोड़ा सा आपको रिविज़न कराते हुए नेक्स्ट पार्ट की ओर अब हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वाच्य क्या होते हैं या वॉइस क्या होते हैं। जब भी हम कोई कार्य कर्म प्रधान या कर्ता प्रधान करते हैं, मतलब या तो हम सब्जेक्ट बेस कोई वर्क कर रहे हैं या हम ऑब्जेक्ट बेस कोई वर्क कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉइस, वॉइस टू टाइप के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस एंड सेकंड वन इज पैसिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब भी हम कोई कार्य कर्ता के द्वारा कराते हैं, किसके द्वारा कराते हैं, कर्ता, कर्ता को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जब भी हम किसी कार्य को कर्ता के द्वारा कराते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं या फिर कर्तवाच्य बोलते हैं हिंदी में अगर हम बात करें तो, है ना। नेक्स्ट क्या है, पैसिव वॉइस, जब भी हम किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को ऐसा प्रकट करें कि वह स्वयं कार्य ना करके किसी और के द्वारा वह अपना कार्य करा रही है, ऑब्जेक्ट के द्वारा हम उसके कार्य को पूरा कराएं, तो हम इस कंडीशन में पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। फिर क्या था, हमने इसके कुछ रूल्स बताए थे आपको कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगेगा, बाय का यूज़ होगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। फोर्थ कंडीशन इज एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करेंगे। फिर क्या है, हमने एक टेबल डिस्कस करी थी कि जब भी अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में एक्टिव वॉइस में आई है तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, मी आएगा, बाय मी, है ना, वी है तो बाय अस, यू है तो बाय यू, ही है तो बाय हिम, शी तो देन बाय हर, दे का बाय देम, और अगर कोई नाउन है तो बाय नाउन, मतलब उस पर्सन का नाम भी हो सकता है, वो थिंग भी हो सकती है, किसी प्लेस का नाम भी हो सकता है, एनी वन, है ना। फिर अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है, हमने टेंस पढ़े थे तो उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इन केस मुझे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हाउ टू कन्वर्ट इट, है ना, हाउ टू कन्वर्ट इट, है ना। तो हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करते, उसके पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। लेकिन जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे होगी, जैसे इज, एम, आर, इज हमेशा सिंगुलर के संग, एम आई के संग, आर प्लूरल के संग, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन बाय। जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, शी सिंग अ सॉन्ग, है ना, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, मैं उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँगी तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग को मैं क्या लूँगी, एज अ सब्जेक्ट लूँगी, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग क्या है, सिंगुलर, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी, इज, अ सिंग इज, वर्ब क्या है, सिंग, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, सेकंड क्या होता है, सिंग, सेंग एंड संग, है ना, तो थर्ड फॉर्म हम लेंगे संग, अ सॉन्ग इज संग बाय हर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम एग्जांपल लेते हैं, आई पनिश देम, मैं तुम्हें या मैं उन्हें सजा दूंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका, दे का हम देम का जब हम सब्जेक्ट लेंगे तो क्या लेंगे, दे, दे क्या है, बहुवचन है, तो दे आर पनिश्ड बाय मी। अब अगर मुझे किसी नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाऊंगी, ठीक है, तो शी डज नॉट कुक द फूड, तो मैं क्या करूंगी, इसमें द फूड लूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हेल्पिंग वर्ब इज नॉट कुक्ड बाय हर। अब अगर मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले मैं इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लूंगी, तो क्या है, डज शी कुक द फूड, तो इसका क्या हो जाएगा, फूड के संग क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज, तो मैं इसको क्या लूँगी, सबसे पहले लूँगी, इज़ द फूड कुक्ड बाय हर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ।
सेकंड क्या है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का सेंटेंस है और अगर मुझे एक्टिव से उसको पैसिव में कन्वर्जन करना है तो मैं इस MR, तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है तो मैं इस MR के साथ बींग का यूज़ करूँगी। किसका यूज़ करूँगी, बींग का यूज़ करूँगी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस Y। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया एज एग्जांपल, रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना, तो मैं क्या करूँगी, जो अ सॉन्ग के संग जो भी सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगा उसके संग मैं बींग यूज़ करूँगी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस Y प्लस सब्जेक्ट का क्या बनाऊँगी मैं, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, अ सॉन्ग इज बींग संग बाय रोहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, आई एम टीचिंग देम, दे आर बींग टॉट बाय मी। अब मैं इनका नेगेटिव फॉर्म जनरेट करूँगी तो आई एम नॉट टीचिंग देम, तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट बींग टॉट बाय मी। फिर फोर्थ है, एम आई टीचिंग देम, तो क्या हो जाएगा, आर दे बींग टॉट बाय मी। ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन, है ना। तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर हम सेंटेंस लेते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हैज़ और हैव क्या लेते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर्स के साथ आता है, जो हैव है वो किसके संग आता है, प्लूरल्स के साथ आता है। लेकिन जब हम इसका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करते हैं तो हैज़ हैव के संग क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। क्या लग जाता है, बीन लग जाता है। तो वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, सी हैज़ ईटन एन ऑरेंज, तो पैसिव वॉइस में कन्वर्जन क्या होगा, एन ऑरेंज हैज़ बीन ईटन बाय हर। देन अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो ही हैज़ नॉट कॉल्ड अस, तो है ना, क्या करेंगे, इसका नेगेटिव बनाना है तो अस है, तो अस का हम क्या लेंगे, सब्जेक्टिव केस वी, तो वी के संग हमेशा क्या यूज होगा, हैव, तो वी हैव नॉट कॉल्ड बाय हिम। अब मैं इसका इंटरोगेटिव बनाऊंगी तो हैज ही कॉल्ड अस, तो क्या होगा, हैव वी कॉल्ड बाय हिम। ठीक है, तो आज हमने जो प्रेजेंट टेंस थे उसके थ्री पार्ट्स का एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन देखा। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन नहीं होता है, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम कंटिन्यू करेंगे वो पास्ट के सेंटेंस लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव में डिस्कशन होगा। आई होप जितने भी मैंने आपको पॉइंट डिस्कस कराए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।